लेक्चर में क्या बात किया हमने लास्ट लेक्चर में बात किया कि इंडक्टर में करंट का ग्रोथ कैसे होता है इंडक्टर में करंट कैसे धीरे धीरे इंक्रीज होता है ये हमने लास्ट लेक्चर में बात किया अब हम बात कर रहे हैं डीके ऑफ करंट की किसकी बात कर रहे हैं डीके ऑफ करंट डीके ऑफ करंट इन इंडक्टर इन इंडक्टर एन इंडक्टर इंडक्टर में करंट का डीके मतलब अगर कोई इंडक्टर को हमने पहले से मैग्नेटाइज कर दिया ओके ये इंडक्टर है हमारे पास ओके और इसको हमने आई नॉट मैक्सिमम करंट से मैग्नेटाइज कर दिया ओके उसके बाद में इसको हमने एक स्विच से कनेक्ट किया एक रेजिस्टेंस से कनेक्ट किया ऐसा आर एल t इक्वल टू जीरो पर करंट स्विच को क्लोज कर दिया ओके okay. तो यहां पे करंट धीरे 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 डिक्रीज होगा क्या होगा करंट धीरे धीरे डिक्रीज होगा t इक्वल टू जीरो पर मैक्सिमम करंट फ्लो होगा i एट जीरो टू I नॉट मैक्सिमम करंट फ्लो होगा क्योंकि ये इंडक्टर एक करंट सोर्स की तरह बिहेव करेगा कैसे बिहेव करेगा करंट सोर्स की तरह बिहेव करेगा सब कुछ सही चल रहा है करंट सोर्स की तरह बिहेव करेगा और टी टैंक्स टू इंफिनिटी पर इंडक्टर तो पूरा मैग्नेटाइज हो जाएगा उसकी पूरी एनर्जी जो है जो मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में उसमें एनर्जी स्टोर थी वो पूरी के पूरी रजिस्टर के थ्रू हीट के फॉर्म में डिसिपेट हो जाएगी ओके कोई आपसे पूछेगा चलो कितना हीट डिसिपेट हुआ तो उसमें जो एनर्जी स्टोर हुई है मतलब कि वन बाई टू एल आई नॉट दैट इज द अमाउंट ऑफ हीट डिसिपेटेड यही होगा वहां पर आर का कोई रोल नहीं है ओके आर का रोल है कितनी जल्दी और कितनी लेट क्योंकि इंडक्टर क्या होता है टाइम कांस्टेंट क्या होता है टाइम कांस्टेंट होता होता है L by R. L by R होता है रेजिस्टेंस जितना ज्यादा रेजिस्टेंस जितना ज्यादा टाइम कांस्टेंट उतना कम मतलब उतनी जल्दी जल्दी वो हो क्या होगा डिस्चार्ज हो जाएगा डीमैग्नेटाइज हो जाएगा डीके उतना फास्ट होगा तो ये रेट ऑफ डीके भी बता रहा है आपने को बहुत सारे इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है जो हम आगे और देखेंगे टी टेंग्स टू इंफिनिटी पे अगर हम बात करें तो करंट हो जाएगा जीरो बच्चा लोगो करंट कितना हो जाएगा बोलो 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 इट इज बिकम जीरो बेटा करंट कितना हो जाएगा जीरो हो जाएगा कब जब वो इन्फाइनिट मतलब आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम अब यहां पर अब अगर हम यहां पर इसका सर्किट सॉरी अगर हम इसका करंट का इक्वेशन देखें तो करंट स्टार्टिंग में मैक्सिमम था आई नॉट और धीरे 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 जीरो हो गया ओके एक्सपोनशियल डिक तो आई नॉट ई रेस्ट टू पावर माइनस टी बाई टाओ ये इसका इक्वेशन होगा हमने पहले ही देख लिया था कि अगर करंट डी डी ऑफ करंट की बात करें या जो डिक्रीमेंट है वो हम सिंपल इक्वेशन से लिखेंगे आई नॉट पावर माइनस t बाई टाउ और इंक्रीमेंट ऑफ करंट जो है वो वन माइनस इरेज टू पावर माइनस t बाई टाउ होता है तो यहाँ पर ये इस ग्राफ को हमको ध्यान से समझ लेना है कि ये करंट ऐसा डिक्रीज हो रहा है ओके इसको हम डिराइव भी कर सकते हैं कैसे डिराइव कर सकते हैं हम यहाँ पर देखेंगे कि वी एल प्लस वी आर इक्वल टू ज़ीरो कितना होगा वी एल प्लस वी आर इक्वल टू जीरो वी एल कितना होता है एल डी आई टी बाई डी टी कब बात कर रहे हैं हम टी टेंस टू टी ग्रेटर देन जीरो पर किसी स्विच क्लोज करने के किसी भी टाइम टी टाइम बाद ओके प्लस आर इंटू आई टी अभी थोड़ी देर पहले भी हमने देखा था इक्वल टू जीरो पर डिफरेंशियल इक्वेशन बना दिस दिसवल टू जीरो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन बनी कौन सी इक्वेशन बनी डिफरेंशियल डिफरेंशियल इक्वेशन ओके डिफरेंशियल इक्वेशन तो यहां पर हमारे पास में फिर से डिफरेंशियल इक्वेशन बना इट इज डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कौन सा इक्वेशन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ओके अब यहां पर इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम लास्ट वाला मेथड यूज नहीं करेंगे वो भी यूज कर सकते हैं क्योंकि यहां पर क्यू का वैल्यू जीरो है ओके okay. उस मेथड से एक बार ट्राई करते हैं क्योंकि वो मेथड हमको ऑलरेडी पता है यहां पर डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी इंटू एक्स इक्वल टू क्यू है ना तो p का वैल्यू कितना है बताओ 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 आर बाई एल क्यू का वैल्यू कितना है बताओ 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 इट इज इक्वल टू जीरो तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना होगा हम यहां पर फाइंड कर लेते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा ई रेस्ट पावर इंटीग्रेशन p इंटू डी एक्स मतलब ई रेस्ट पावर इंटीग्रेशन p इंटू डी टी यहां पर x का को टी से रिप्लेस कर रहे हम तो आर बाई एल इंटू डी टी मतलब इंटीग्रेटिंग फैक्टर फिर से वही आया आर बाई एल इंटू टी क्योंकि आर बाई एल तो कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा और DT का इंटीग्रेशन टी हो जाएगा ओके okay, सॉल्यूशन होगा आई टी इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर विच इज इक्वल टू ई रेस्ट टू पावर आर बाई एल इंटू टी इज इक्वल टू यहां पर इंटीग्रेशन क्यू क्यू का वैल्यू जीरो है इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इन टू तो ये तो जीरो हो जाएगा प्लस कॉन्स्टेंट सी बचेगा तो यहाँ से आई टी रेस्ट पावर आर बाई एल इन टू टी इज इक्वल टू सी बचा जिसको हम लिख सकते हैं आई टी इज इक्वल टू सी ई रेस्ट टू पावर माइनस आर बाई एल इंटू टी उसे डिवाइड करेंगे ऊपर जाके वो माइनस में आ जाएगा टी इक्वल टू जीरो पर यहाँ पर अगर हम देखेंगे क्योंकि हमको वापिस से सी का वैल्यू फाइन करना है ये सारी चीजें मैं पहले ही बता चुका हूं तो इसमें ज्यादा हम फोकस नहीं कर रहे हैं यहाँ पर टी इक्वल टू जीरो सी का वैल्यू फाइंड करना है है ना सी का वैल्यू फाइंड करना ना? तो टी इक्वल टू जीरो पर करंट आई टी कितनावल टू आई नॉट कितना था आई नॉट तो यहाँ पर आई नॉट सी ई रेस्ट टू पावर जीरो बच्चा लोगो ई रेस्ट टू पावर जीरो कितना होगा बताओ कितना होगा ई रेस्ट टू पावर जीरो वन होता है तो सी इज इक्वल टू आई नॉट आया यहाँ पर आई टी का वापिस से यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे आई टी इज इक्वल टू आई नॉट ई रेस टू पावर माइनस आर बाई एल इंटू टी दैट इज द डी के ऑफ करंट और ये हम पहले ही देख चुके हैं ओके okay, वही हमने डिराइव भी कर लिया ये सारा कौन से बहुत अच्छे से आपको ध्यान से समझना है क्यों समझना है क्योंकि इन पे बेस्ट क्वेश्चन आ जाते हैं और फार्मूले याद भी रखना है कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट आप याद रख सकते हो